वैसे तो भारत का इतिहास 5 लाख साल से भी अधिक पहले पाषाण युग के दौरान शुरू हुआ था, लेकिन किताबों में इसके इतिहास की कहानी आज से करीब 5000 साल पहले सन 3000 ईसा पूर्व यानी ईयर 3000 BC में इंदस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होती है। इंदस एक नदी का नाम है जिसे हिंदी में सिंध नदी भी कहा जाता है, और इसी इंदस नदी के नाम से भारत का नाम इंडिया रखा गया था। इस सिविलाइजेशन ने जन्म दिया हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ छोटे राज्यों को। बड़े आश्चर्य की बात थी कि उस समय इन राज्यों के लोगों ने खेतीबाड़ी और व्यापार जैसी शहरी संस्कृति विकसित कर ली थी। सन 1500 ईसा पूर्व के दौरान भारत में आर्य वंश ने कदम रखा, जो कि उत्तर से आए थे क्योंकि वहाँ का तापमान धीरे धीरे गिरने लगा था। आज उन इलाकों को अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा आर्य द्वारा बोले जाने वाली सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक थी, जिसका उपयोग ग्रंथों और वेदों को लिखने में भी हुआ था। सन 500 ईसा पूर्व तक आर्यों का साम्राज्य लगभग पूरे उत्तर भारत में हो चुका था, जिसके कुछ मुख्य राज थे काशी, जो आज बनारस है, मगध, जो आज बिहार है, पांचाल, जो आज फरुखाबाद है, कुरु, जो आज मथुरा है, विदर्भा, जो आज पूर्वी महाराष्ट्र है, गांधार, जो आज पाकिस्तान में पेशावर है, कंबोज, जो आज अफगानिस्तान और तजाकिस्तान का बॉर्डर है, और अवंती, जो आज उज्जैन है। उस समय भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिस पर विदेशी ताकतों की गंदी नजर हमेशा से ही रहा करती थी। आर्य के साम्राज्य में भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में कोई भी साम्राज्य इतना मजबूत नहीं था कि वो क्षेत्र को विदेशी आक्रमण से बचा सके, और इसी बीच भारत पर दो बड़े विदेशी आक्रमण हुए। पहला आक्रमण सन 518 ईसा पूर्व में अर्कमेनियन शासक डायरस प्रथम ने भारत के उत्तर पश्चिम इलाके पर किया और वहां की सत्ता हासिल कर ली। दूसरा बड़ा आक्रमण सन 326 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के राजा सिकंदर ने अपनी विशाल सेना के साथ भारत पर किया, जिसके विरोध में पंजाब के राजा पौरुष ने सिकंदर के साथ युद्ध किया। उस युद्ध को हेडस्पेस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। राजा पौरुष सिकंदर की विशाल सेना के आगे नहीं टिक पाए और सिकंदर भारत के कई कीमती खजाने लूट कर वापस चला गया। इन आक्रमणों के बाद भारत को विदेशी ताकतों से बचने के लिए राजनीतिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी हो चुका था, और तभी सन 322 ईसा पूर्व में महान अर्थशास्त्री चाणक्य की मदद से भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई, जिसके पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य भारत का अभी तक का सबसे ताकतवर साम्राज्य था, जिसे सारी विदेशी ताकतें डरा करती थी। सन 265 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते महान राजा अशोक ने लगभग पूरे दक्षिण एशिया पर जीत हासिल कर ली थी। आज के समय के हिसाब से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और कई देशों के छोटे छोटे क्षेत्र अशोक के मौर्य साम्राज्य में आते थे। फिर सन 261 ईसा पूर्व में राजा अशोक ने भारत के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध जीता, जिसका नाम था बैटल ऑफ कलिंगा। कलिंगा के युद्ध में लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग मारे गए थे, जिसको देखने के बाद राजा अशोक को बेहद आत्मग्लानि महसूस हुई, और तभी से उन्होंने फिर से कभी युद्ध न करने की शपथ ली और बौद्ध धर्म अपनाकर उसका प्रचार करने के लिए पश्चिम की ओर निकल पड़े, जिसके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे करके 185 ईसा पूर्व तक खत्म हो गया। मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद भारत एक बार फिर से विदेशी आक्रमणों की चपेट में आ गया था। उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बक्टेरियन, पार्थियन, शक और कुषाण जैसी विदेशी ताकतों का शासन 180 ईसा पूर्व से 320 ईस्वी तक रहा, और वहीं दक्षिण में चोल, चेर और पांड्या जैसे साम्राज्यों का शासन 250 ईस्वी तक रहा, और इसी बीच अजंता और एलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ। सन 320 ईस्वी से शुरू हुआ गुप्ता साम्राज्य, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी और लगभग पूरे उत्तर भारत में 200 साल से अधिक राज किया था। गुप्ता साम्राज्य के सबसे ताकतवर राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, जो चंद्रगुप्त प्रथम के पोते और समुद्रगुप्त के बेटे थे। गुप्ता साम्राज्य के समय ही महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट का जन्म हुआ था, जिनके अद्भुत कार्यों की वजह से आज हम स्पेस तक पहुंच चुके हैं। गुप्ता साम्राज्य के खत्म होने के बाद उत्तर भारत में हर्षवर्धन साम्राज्य पनपा, और राजा हर्षवर्धन ने लगभग 50 साल तक उत्तर भारत पर राज किया। वहीं दक्षिण में चालुक्य और पल्लव साम्राज्य ने लगभग 150 साल यानी 750 ईस्वी तक राज किया। इसके बाद सन 1000 ईस्वी तक भारत छोटे छोटे साम्राज्यों में विभाजित हो गया था, जिसके मुख्य साम्राज्य थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। यही वो समय था जब राजपूत कुल का जन्म हुआ था। सन 1000 ईस्वी में लुटेरे महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के सारे प्राचीन और कीमती खजाने लूट ले गया। फिर 1030 ईस्वी में मलेरिया के कारण उसकी मौत हो गई, जिसके बाद भारत में चंगेज खान के वंशज तैमूर ने कदम रखा। तैमूर का मकसद भारत पर शासन करना नहीं, बल्कि लूटपाट करके भारत को बर्बाद कर देना था। उसने संपत्ति के लिए सैकड़ों मंदिर और इमारतों को नष्ट करवा दिया था। सन 1500 तक भारत आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हो चुका था, जिसको देखकर बाबर ने सन 1525 में भारत पर आक्रमण करके मुगल साम्राज्य की स्थापना दिल्ली में कर दी, जिसके बाद उनकी 5 पीढ़ियों ने सन 1707 तक भारत पर 200 साल शासन किया। फिर सन
700 ईस्वी तक मराठाओं ने मुगलों को हराकर मराठा साम्राज्य लगभग आधे भारत में स्थापित कर दिया था और मुगल अपनी बची कुची ताकत और संपत्ति अंग्रेज और उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के सौंप कर चले गए थे। अंग्रेजों से आजादी भारत को 1947 में मिली और इस आजादी की लड़ाई में बहुत से स्वतंत्रता सेनानी और वीर योद्धाओं का हाथ था।